नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला फेलोशिप क्लब अम्बाला छावनी की ओर से वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम फुटबॉल चौक के नजदीक अम्बाला छावनी में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में गर्म दूध और फल वितरित किए गए। समारोह में सम्मिलित हजारों स्कूली बच्चों और नागरिकों ने योग करके पश्चात गर्म दूध और फल को ग्रहण किया। क्लब के इस प्रयास की लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर क्लब के पदाधिकारियों ने नगर और स्टेडियम को स्वच्छ रखने की अपील की और सभी लोगों ने अपील का सम्मान करते हुए दूध फल ग्रहण करने के पश्चात डिस्पोजल को डस्टबिन में डालकर स्टेडियम को स्वच्छ और सफाई व्यवस्था बनाए रखी। क्लब के प्रधान गौरव गुप्ता ने बताया कि उनका क्लब पिछले 28 वर्षों से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है। पिछले महीने भी कैंसर अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर हजारों लोगों के लिए तरबूज का भंडारा लगाया गया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्वयं वितरण स्थल पर पहुंचकर पदाधिकारियों को हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर क्लब के IPP महेश अग्रवाल, प्रधान गौरव गुप्ता, सलाहकार अमित अग्रवाल, राकेश बंसल, अजय गुप्ता, पूर्व प्रधान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर फणीश गुप्ता, महासचिव रचित गुप्ता, केशर नीरज गोयल, नितिका बंसल, सरीना कंसल, जितेंद्र सिंगल, गौरव गुप्ता, अनिल रवि अग्रवाल, दिनेश कंसल, नीरज अग्रवाल, अमन अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, नवीन मित्तल, नीरव जैन, सुशील मित्तल, हरदेश साहिल, दीपक मुनीश उपस्थित रहे। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।